हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं इरफान मलिक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, TVS स्पोर्ट है मेरे पास में। तो किसी चैनल सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि बाइक के अंदर DSV कहाँ पर लगा हुआ होता है, DSV कौन सा होता है। तो हमारा जो DSV होता है वो ये वाला होता है, ये लगा हुआ होता है। और हमारी RTR सीरीज की किसी भी बाइक में नहीं है ये। RTR सीरीज़ में ISEV के नाम से आता है और इसमें DSV के नाम से आता है। और DSV जो है हमारा एक्सेलेंडर में है, स्टार सिटी, रेडियोन और हमारी स्पोर्ट में है, एंटोर्क में है और भी स्कूटर के किसी सीरीज़ में नहीं है एंटोर्क को छोड़कर। और हमारा जो अब 125 सीसी का आ रहा है जुपिटर, उसमें आया है। और एक जुपिटर आया था एक बारी, उसमें आया था, उसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। एंटोर्क वाला सिस्टम लगा हुआ है थ्रोटल बॉडी का उसका। तो इसकी थोड़ी सी मैं पहचान बता देता हूँ कि इसको आप पहचाने किस तरीके से कि ये DSV है, यानी किसी भी गाड़ी में आप किस तरीके से उसको पहचान सकते हैं। तो इनका क्या होता है दोस्तों, इनका कलर कोडिंग होता है। ये पिंक और ग्रीन जो है हमारा, ये वायर इसमें आएगी किसी भी गाड़ी में हो DSV TVS की, ये वाली वायर ही होगी पिंक और ग्रीन। और दूसरी होगी ऑरेंज और ब्लू, ऑरेंज और ब्लू, आपको शायद क्लियर नज़र आ रही हो, ऑरेंज और ब्लू, ये दोनों वायर हमारे DSV की होती है। जिस गाड़ी के अंदर भी ये दोनों वायर सेंसर के अंदर लगी हुई हो तो आप समझ लेना कि ये हमारा DSV है। और XL100 के अंदर वो जो चीज़ आवाज़ कर रही थी, जो मैंने वीडियो बनाया था, जिस वीडियो को देखकर उन्होंने पूछा था कि इसमें DSV कहाँ पर होता है लगा हुआ, तो DSV ये वाला होता है। ये आवाज़ क्यों करता है, ये इसका सिस्टम गड़बड़ा जाता है। जो इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है दोस्तों, ये वाला, इसमें गड़बड़ हो जाती है तो ये इसलिए आवाज़ करने लगता है, इस तरह की आवाज़ करता है जैसे इंजन में से आवाज़ आ रही हो। ये अंदर बाहर पुश होता है और इस तरीके की आवाज़ ये मारता है जिस तरीके से इंजन में से आवाज़ आ रही हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है XL100 की मेरी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें जा करके देख सकते हो सेंसर वाली डिटेल में। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से जरूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।